स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। और आज की वीडियो में बात करेंगे मशरूम के बारे में, मशरूम यानी कि कुकुरमुत्ता के बारे में, जिसको टोडस्टूल नाम से भी जाना जाता है। और ये जंतु जगत के फंजी वर्ग से संबंधित है, मतलब कवक वर्ग से संबंधित है। और इस दुनिया में लगभग 14,000 नस्ल पाई जाती है मशरूम्स की, जिनमें से ज्यादातर अस्थायी जगहों पर पाए जाते हैं और सदाबहार जंगलों में भी पाए जाते हैं, तो कहीं कुछ स्पीसीज पानी के अंदर भी पाए जाते हैं। अब इनकी आकृति, आकार और रंग इसके अलग अलग नस्ल पर निर्भर करता है। मशरूम को मानव के लिए खाने और दवाई का एक अहम स्रोत माना जाता है, और साथ ही साथ वो बहुत यूजफुल होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो अब इसके अलावा जानते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मशरूम्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, आमतौर पर मशरूम एक तना और उसके ऊपर टोपी के साथ पाए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, मशरूम ना तो एक पौधा है और ना ही कोई जंतु। बजाय इसके मशरूम का डीएनए काफी हद तक सेम है मानव के डीएनए के तुलना में किसी पौधे के डीएनए के। नंबर 2, क्या आप जानते हैं मशरूम रिसाइकिल करता है मरे हुए पौधों को और जमीन तक वापस पहुंचाता है उसके पोषक तत्व। और इस सब के अलावा उनका इस्तेमाल किया जाता है कुछ घातक तत्व को खत्म करने के लिए, जैसे तेल, पेस्टिसाइड्स और औद्योगिक कचरा जिनमें फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल और बाकी के तत्व शामिल हैं। नंबर 3, ज्यादातर पौधे मशरूम के साथ सहजीवन जीते हैं, जहाँ पर वह उस पौधे के साथ माइसीलियम का निर्माण करते हैं, जो धागे जैसी संरचना होती है जो उस पौधे की जड़ों को पोषक तत्व प्रदान करती है, और बदले में उसके मशरूम को मिलता है वो खाना जो पौधा उसे देता है। नंबर 4, क्या आप जानते हैं मशरूम अपनी ग्रोथ और खुद को पूरा पोषक तत्व देने के लिए एंटीबायोटिक्स का निर्माण करता है, जिससे उसके खाने के बीच कॉम्पिटिशन खत्म हो जाता है और इससे बनता है एक बेस्ट एंटीबायोटिक्स पेंसिलिन, और जिसे पेंसिलियम नाम के कवक से प्राप्त किया जाता है। नंबर 5, मशरूम 90% पानी से बने होते हैं और उन्हें जंगल का मीट भी कहा जाता है, क्योंकि उनके भीतर प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। और क्या आप जानते हैं, उनका प्रोटीन मूंगफली, मकई और सोयाबीन से भी ज़्यादा होता है। और यही नहीं, एक मशरूम जिसका नाम है लीडीपोरस, उसका स्वाद भी आपको काफ़ी हद तक चिकन जैसा ही लगेगा। नंबर 6, सभी खाए जाने वाले मशरूम के भीतर विटामिन बी और मिनरल्स जैसे कॉपर और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। और क्या आप जानते हैं, कुछ मशरूम के भीतर केले से भी ज़्यादा पोटेशियम मिलता है। नंबर 7, ज़्यादातर खाए जाने वाले मशरूमों में से फेमस है वाइट बटन मशरूम। और क्या आप जानते हैं, चाइना में सबसे ज़्यादा मशरूम उगाए जाते हैं। नंबर 8, क्या आप जानते हैं, मशरूमों को जंगल से उठाना या फिर चुनने को मशरूमिंग और मशरूम हंटिंग कहा जाता है, मतलब मशरूम का शिकार करना कहा जाता है, जहां मशरूमिंग काफ़ी तक रेफरेबल है फिशिंग से। नंबर 9, दुनिया भर में मशरूम की बहुत सारी ऐसी प्रजातियाँ हैं जो खाने लायक नहीं होती, और जिनमें से बहुत सारे खाने लायक मशरूम जैसे भी लगते हैं, जिस कारण से जंगल से मशरूम चुन के खाना कोई समझदारी नहीं मानी जाती, तब तक जब तक कि आप मशरूमों के एक्सपर्ट ना हो। नंबर 10, मशरूम की लगभग 70 प्रजातियाँ जो कि माइसिना परिवार से संबंधित है, वे अंधेरे में चमकते हैं, जिस कारण से वे जंगल के अंधेरे में रास्ता दिखाने में काम आते हैं। नंबर 11, मशरूम अपने जैसी नई प्रजातियाँ अपने गलफड़े में स्पोर्स यानी कि बीजाणुओं से करती हैं। स्पोर्स एक मजबूत तत्व से बना होता है जो कि दशकों या फिर सदियों तक निष्क्रिय रह सकता है। नंबर 12, मशरूम को काफ़ी समय पहले रंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, जिससे कपड़ों पर रंग चढ़ाया जाता था। नंबर 13, मशरूमों का इस्तेमाल चाइना में सदियों से दवाई बनाने के लिए किया जा रहा है। नंबर 14, स्टडीज दिखाती हैं कि मशरूम के भीतर बहुत ही बेहतर एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, और इनका इस्तेमाल ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने और इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए किया जाता है, और माना जाता है कि काफ़ी सारे कैंसर्स के ट्रीटमेंट में भी कारगर है। नंबर 15, दुनिया के सबसे बड़े और पुराने मशरूम आप पा सकते हैं ब्लू माउंटेन ऑफ ओरेगन में, जो लगभग 2200 एकड़ तक फैली हुई ज़मीन है और जो ज़मीन लगभग 2400 साल पुरानी है। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मशरूम के बारे में, और शायद उम्मीद है कि इसके बाद आप मशरूम खाने के लिए थोड़े उत्तेजित हो चुके होंगे। तो क्या आपने कभी मशरूम खाया है या फिर खाने की सोच रहे हैं इसके बाद, और कौन सा मशरूम आप ज़रूर खाना चाहेंगे इस वीडियो को देखने के बाद?
अपने सारे विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। और अगर ऐसी वीडियोस और चाहिए तो उसके बारे में बताना भी नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना भूले। साथ ही साथ लाइक और शेयर करना भी ना भूले इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दे हमारे इस चैनल को। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।